की इस जन आक्रोश रैली में आप सब लोग बहुत ऊर्जा के साथ, जोश और जनून के साथ यहां पर शामिल हुए। मैं पार्टी के संगठन के सभी नेताओं को जो मंच पर बैठे हुए हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं जो सामने बैठे हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं बधाई के साथ कि कुछ दिन पहले 12 तारीख को जिस दिन सरकार का, सुखू जी की सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ, वही पुलिस ग्राउंड जहां उन्होंने सरकारी सभा की और आज वही सरकारी ग्राउंड 18 तारीख को जहां आक्रोश रैली की शुरुआत हुई। सबसे बड़ी बात एक चीज को वहां पर देख सकते हैं कि 12 तारीख के वो जश्न, जिसका जश्न उन्होंने कहा कि जश्न मना रहे हैं एक साल के कार्यकाल का, और वहां के हालात क्या थे, कुर्सियां पीछे खाली हो रही थी, मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, और आज 18 तारीख को जब आक्रोश रैली का आयोजन किया जाता है कि जिस तरह से हमारे जोश और जनून के साथ हमारे साथी उस मैदान में खड़े हुए, बिना साधन के, बिना सुविधा के, अपनी व्यवस्था से वहां पर पहुंचे और कार्यक्रम में भाग लेने के बाद यहां आज इस चौक पर यहां इकट्ठे हुए हैं। कुर्सी तो छोड़िए, लेकिन आदमी के साथ आदमी सटा होकर के खड़ा हुआ है, इतने दिल धरने की जगह। मुझे लगता है कि अंदाजा लग जाना चाहिए कि क्या होने जा रहा है आने वाले समय में, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को इस बात का इल्म भी हो गया है, अंदाजा भी लग गया है कि आने वाला वक्त बहुत खराब है। अभी जो जश्न मनाने की बात चली कांग्रेस के एक साल के कार्यकाल की, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि जश्न मनाए तो मनाए, किस बात का, काम तो एक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जोर से कहा कि जश्न मनाना है इसलिए मनाना है, नहीं तो बोलेंगे कि कांग्रेस वालों ने स्वीकार कर लिया कि कुछ नहीं हुआ इसलिए नहीं मनाया। जश्न मनाने की तैयारी हुई, सरकारी अमरा जोड़ा गया, सरकारी तंबू लगाया गया, सरकारी गाड़ियों में लाने का इंतजाम किया गया, पर झूठ बोल करके जो पार्टी सत्ता में आई, झूठी गारंटियों के सहारे एक साल पूरा होने पर भी लोगों के साथ झूठ बोला गया। राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगी, प्रियंका तो हिमाचल प्रदेश में थी और शिमला में धूप सेकती रही, लेकिन कहा कि मैं जश्न का हिस्सा नहीं बन सकती हूं क्योंकि तुम नालायकों ने एक भी काम एक साल में किया नहीं, जश्न मनाने के लायक नहीं, मैं इससे दूर ही ठीक हूं, शिमला से भी आने। लोग इस बात को लेकर के हैरान थे कि जश्न की बात कही जा रही है, फिर कुछ लोगों ने कहा कि जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि भाई जैसे कैसे एक साथ तो निकल गया, उम्मीद नहीं थी। और आज जो हालात पूरे प्रदेश भर में बने, आज हम इस बात को पूछ रहे हैं आक्रोश रैली में कि जश्न किस बात का, ये समझाइए तो सही, क्या इस बात का जश्न मनाया गया कि हिमाचल प्रदेश में आपने एक साल के कार्यकाल में 1500 से ज्यादा संस्थान जो चले हुए संस्थान थे उन पर ताला लगा दिया, क्या इस बात का जश्न मनाया गया, क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 500 से ज्यादा लोगों की त्रासदी में जिंदगी चले गई, इस बात का जश्न मना रहे हैं क्या, क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में, जिस हिमाचल में एक भी व्यक्ति घर के बिना नहीं था, आज 15,000 लोग उस त्रासदी की वजह से बेघर ऊपर हुए पड़े हैं, इस बात का जश्न मना रहे हैं आप, इस बात का जश्न मना रहे हैं जहां आपने वादा किया था कैबिनेट की पहली बैठक में पहला निर्णय होगा
कि माताओं को बहनों को 1500 रुपए खाते में आना शुरू हो जाएंगे। एक भी महिला के खाते में 1 रुपए नहीं आया, इस बात का जश्न मना रही हूं। मैं इस बात का जश्न मना रहे थे। आपने हिमाचल प्रदेश में कहा कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां, 1 लाख नौकरियां और कैबिनेट की पहली बैठक में निकाल दी जाएंगी। नौकरी तो एक नहीं मिली, लेकिन हिमाचल प्रदेश के 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी नौकरियों से निकाल दिए गए। 7 महीने से तनख्वाह नहीं, बिना साइन के चेक था डॉक्टर को। आखिर कितना झूठ बोलोगे? और ऐसे हालात में आपके सामने परिस्थिति इस प्रदेश की है भाई और बहन। हमने भी त्रासदी का दौर देखा, 2 साल का कोविड का दौर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी काम हो रहा था। सड़क का काम चला हुआ था, पुलों का काम चला हुआ था, स्कूल के भवन का काम चल रहा था, कॉलेज का भवन बन रहा था, हॉस्पिटल का भवन बन रहा था, चारों तरफ विकास हो रहा था। लेकिन आज चारों तरफ बंद, सब कुछ बंद। आप हिमाचल प्रदेश में हालात देख रहे हैं। 6 महीने बाद इस बात में गीत गाते गुजार दिए, जयराम ने लोन लिया, जयराम ने लोन लिया, जैसे कि मैंने ही लिया, आज से पहले कभी लिया ही नहीं। जयराम ने इतना 17,000 करोड़ रुपए का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा दिया, जैसे कि वो जब 2017 में उनकी सरकार गई थी, वीरभद्र सिंह जी सत्ता से बाहर हुए थे, उस वक्त हमको जो है वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे करके गए थे। 50,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ करके गए थे हमारे ऊपर। 38,500 करोड़ रुपए की देनदारियां हमने अपनी सरकार के दौरान हमने उनकी अदा की। और फिर भी मैंने विनम्रता के साथ कहा, सुक्कू भाई अगर जयराम से गलती हो गई है ऋण लेने की, तुम मत करिए, आप मत लीजिए ना। अगर जयराम ठाकुर ने ऋण लिया तो सड़कें बनी। हिमाचल के इतिहास में 5 साल का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के नाम पर है, जहां 4,700 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में हमने बना करके दिखाई, कभी नहीं बनी इतनी लंबी सड़कें। लेकिन आप किस बात के लिए ऋण ले रहे हैं? काम तो बंद है, ऋण इसलिए ले रहे हैं, सीपीएस बना दिए हैं, ऋण इसलिए लिया है कि एडवाइजर्स बना दिए हैं, ओएसटी बना दिए हैं, ऊपर वाली मंजिल में एडवाइजर अलग से है, नीचे वाली मंजिल में एडवाइजर अलग से, इस दरवाजे के उस तरफ जाते हैं तो वहां अलग एडवाइजर बैठे हैं, और ओएसडी तो इसके अंदर बना दिए कि मालूम नहीं, अब गिनती नहीं। हमने पूछा कांग्रेस के किसी नेता को कितने ओएसडी, बोलते पता नहीं, ये तो साहब को ही पूछो। ये तो हालात हिमाचल प्रदेश में है। और आज हिमाचल प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक जो है वो होर्डिंग लगे हैं, काम ढीले का नहीं हुआ। लेकिन दौर कौन सा? नया दौर, व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। किस तरह की व्यवस्था को परिवर्तन कर रहे हैं आप? ना आपकी पार्टी के लोग समझ पा रहे हैं, ना आपकी पार्टी के नेता समझ पा रहे हैं इस व्यवस्था परिवर्तन के नारे को, और ना ही जनता समझ पा रही है, ना हम समझ पा रहे हैं। हमने तो हिमाचल प्रदेश में 2 सालों में लगभग 6,000 करोड़ लिया था ऋण, और यहां तो 1 साल में कितना हो गया डॉक्टर साहब? 14,000 करोड़ रुपए ऋण हो गया, 14,000 करोड़। क्या होगा आने वाले समय में? और बड़ा अजीब लगा मुझे इस बात को लेकर के हैरानी। अब मुख्यमंत्री बोल रहे थे अब कि हमने ये तो नहीं कहा था कि जो गारंटी दी हमने कि हम 1 साल में पूरा करेंगे, हमारे पास तो 5 साल है। भाई एक तो निकल गया और जो 4 बचे हैं मालूम नहीं वो
कैसे निकल जाएंगे मालूम नहीं पड़ता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आपने 5 साल का जिक्र नहीं कहा है, आपने तो एक बात कही है हमेशा कांग्रेस के नेताओं ने, क्या कही है? कांग्रेस की सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में बहनों को 1500 रुपए मिलेगा। कैबिनेट की पहली बैठक तो हो गई भाई, कहीं बैठेगा भैया? कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। अब जवाब देना मुश्किल हो गया। लगा दो हरिद्वार को, मेरे भाइयों, हरिद्वार जाकर के भी मुझे लगता कि हरिद्वार के प्रति हमारी श्रद्धा है, बहुत सम्मान है, और उसको भी अपवित्र करने की बात मुझे लगता कि हमको नहीं करनी चाहिए। और वहां जाकर के भी पाप नहीं धुलेंगे। अभी हाल ही में एक सांसद महोदय के यहां से नोट निकले, मशीनें हाथ गई, सारी मशीनें इकट्ठा कर दी, गिनती के लिए 4 दिन लगे, कितने निकले? 355 करोड़ निकले। पर आज के इस कार्यक्रम में मैं इतने कहना चाहता हूं कि जो गारंटियां झूठी गारंटियों के सहारे सरकार बनाई गई है, हम उन सारी बातों का जिक्र लोगों तक कहने की आवश्यकता नहीं। हम लोग इस बात को लेकर के बड़ा साफ कह रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि दौर आने दीजिए, अभी निपटा देंगे। गोबर की झूठी गारंटी, दूध की गारंटी और सारी बातों को लेकर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आज देश में गारंटी के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति, एक नेता की गारंटी मान्य है, और उस गारंटी को पूरा करने की गारंटी भी है, और वो है नरेंद्र भाई मोदी जी। आओ हम आने वाले समय में इस काम के लिए जटे कि देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए, बनाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए पूरी ताकत के साथ लगे और